नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन प्रश्नों का हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है या कोई प्रश्न अगर भूलवश गलत बताया गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। पहला प्रश्न देखते हैं। हिमाओं के शासनकाल में भारत आने वाले दो कुशल चित्रकार कौन थे, जिन्होंने बाद में अकबर के संरक्षण में शाही कारखाने में चित्रकला का प्रबंध किया। चार विकल्प दिया गया है और चारों में दिया गया है पहला दूसरा कि दूसरा तीसरा कि पहला तीसरा कि चौथा तीसरा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर चार घ, तीसरा और चौथा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुरक्का क्या थे, मुगल काल में मुरक्का क्या थे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाई मृदभांड कई प्रकार से सजाए जाते थे, निम्नलिखित में से कौन उन प्रकारों में नहीं थे। तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर चार, छकड़े नाव आदि के चित्र ये सब नहीं दर्शाए गए हैं, बाकी तीनों चित्र दर्शाए गए हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक पाक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जा सकती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर दो ख, झूप संस्कृति, ये पाक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जा सकती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड हड़प्पाइयों द्वारा प्रयुक्त होते थे, तो हड़प्पाइयों द्वारा किस प्रकार के मृदभांड प्रयुक्त होते थे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर चार, ये सभी अर्थात चमकीले, छिद्रित, घुंडीदार, बहुरंगी और छेदित। अगला देखते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर चतुर्भुज मंदिर जो विष्णु को समर्पित है किसने बनवाया था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर दो परमार दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सात। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो चलिए एक तरफ इमारतों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वास्तुकार अर्थात जो इमारतों से संबंधित वास्तुकार हैं उनको दिया गया है। तो पहला देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता इसको बनवाया था हर्बर्ट वेकर, पहले को पहले से मिलाते हैं। दूसरा देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली W. इमर्सन ने गेटवे ऑफ इंडिया RF चोशाय, मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट नई चेन्नई जॉर्ज कॉलार्क। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन खा खंड, ऑप्शन नंबर दो, एक दो तीन चार इस आपस में मिले हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। यह भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ वह कौन सा स्थल है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर दो खाखंड लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं।
नगर कटपलो ढाढ़री तथा भगवान पुरा से प्राप्त। पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पर्वती हड़प्पा सभ्यता के लोग एक चित्रित धूसर भांड प्रयोग करने वाले लोग थे। तो यहाँ चार विकल्प दिया गया है, तो जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संपर्क में तो आए परंतु एक साथ नहीं रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्त शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो मौर्य काल का कौन सा एक शिल्प नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति। चलिए अगला देखते हैं, सैंधो अवशेषों में से किस स्थल से पीतल की बनी बत्तख मिली है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, काखंड चंद्रहुदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने वास्तुकला के अंतर्गत बाराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शासकों के रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए गए? पाल शासकों के रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए गए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, गाखंड महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाले सम्राट कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन दूसरा, खाखंड अकबर। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाला सम्राट जो था अकबर था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन स्तंभ कितने प्रकार के होते थे? गुप्तकालीन स्तंभ कितने प्रकार के होते थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन 1, एक ही प्रकार के होते थे। अगला है, गुप्तकाल में मूर्तिकला का केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकाल में मूर्तिकला का केंद्र मथुरा भी थी, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली टोपरा एवं दिल्ली मेरठ पाषाण स्तंभों का संबंध निम्न में से किस शासक से है? प्रश्न नंबर 19, उत्खनन के आधार पर निम्न में से किन संस्कृतियों को ऋग्वैदिक काल के समकालीन माना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन 3, मगध की लाल मृदभांड की संस्कृति। अगला प्रश्न है, नीचे स्थापत्य कला से संबंधित कुछ गुफाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से किन गुफाओं का संबंध सातवाहन काल से है? सातवाहन काल से ये सारी गुफाएं हैं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल सांडों की जुड़वा पैर वाली विशिष्ट प्रकार की मृणमूर्तियाँ किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा अजीवकों के को किस शासक ने प्रदान की थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, दशरथ। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय इतिहास में राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, शतरंज के बोर्ड के नमूने किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुए हैं? शतरंज के बोर्ड के नमूने किस सैंधो स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, घाखंड और लोथल। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, इस तथ्य का अनुमान निम्न में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर कूट दिया गया है, तो यहाँ सही विकल्प होगा
कूट के आधार पर अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर 3, 1, 2, 3 दोनों सही है, 1, 2, 3, चौथा नहीं सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंदों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, घाखंड बैल। सैंदों स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सबसे अधिक पशु, सर्वाधिक पशु का जो उत्कीर्ण हुआ है वो बैल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से ऐसे स्थल हैं जहाँ से उच्च पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ चार सभी विकल्प ऐसे हैं जहाँ से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, घाखंड, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम था किला ए मुबारक, ऑप्शन खा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण गंधार शैली में किया गया, ये मूर्तियां किस पत्थर पर गढ़ी गई हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, स्लेटी पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, अर्थात कौन सा लोक कला की राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, झूमर, ये हरियाणा से संबंध नहीं रखता है। बाकी तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल का लोक कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पर मंदिर का एक राष्ट्रकूट नरेश ने निर्माण करवाया, उस उक्त नरेश का नाम क्या था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का एक राष्ट्रकूट नरेश ने निर्माण करवाया, उस नरेश का नाम क्या था? इस प्रश्न को एक दो बार क्या कई बार कराया गया है, तो इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, भारत में 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है, वो किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन नंबर सॉरी तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। तो भारत में 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर खा, तिल्लाना, ये हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात शैली की चित्रकला में प्राकृतिक रचनाओं यथा पर्वत, नदी, सागर, बादल, वृक्ष, आकाश आदि का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है, कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है रही है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, काखंड, पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है, इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिवार्षिकी, त्रिनाले जिसको भी कहते हैं, त्रिवार्षिक भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी, बताइए ललित कला अकादमी व साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, गाखंड, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पे, गाखंड। अगला देखते हैं, खजुराहो मंदिर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि इमारतों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार का कार्य सर्वप्रथम किस वायसराय ने शुरू किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा
ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया? एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया? सही विकल्प होगा गुफा संख्या 21 रामेश्वरम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40। फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूजिए ने सुनियोजित नगर चंडीगढ़ का अभिकल्प तैयार किया था। विद्याधर भट्टाचार्य ने किस शहर का अभिकल्प तैयार किया था? तो आपको बताना है विद्याधर भट्टाचार्य ने किस शहर का अभिकल्प तैयार किया था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं या एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के निकट धारा नगरी की एक बड़ी पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। इन गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 शिव की मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। अजंता की गुफाओं की संख्या 30 है। इन गुफाओं में मिलने वाली चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध के जीवन का विशिष्ट एवं समिष्टगत पक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 अंकोर वाट मंदिर। बेसर शैली भारत की मंदिर वास्तुकला की एक प्रसिद्ध शैली है, इस विषय में क्या सत्य है? तो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सत्य हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार शैली के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? तो इसमें जो असत्य है उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 भील। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? तो सांची स्तूप में सरिपुता और महायोग लायन की अस्थियां रखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गाखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू में। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य के शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस वंश के शासन काल में हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर घा, गुप्त वंश। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का बनवाया गया किसके द्वारा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 खाखंड जहगीर द्वारा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।